फेवरेट नैपकिन टॉवल का कलर होना चाहिए ब्लैक. यस हाँ जी यहाँ. ओ ग्रेट, इन्होंने मेरा इवेंट यहाँ पे लास्ट टाइम मेरे स्पॉट प्राइसेस शायद बहुत ही अच्छे तरह से चेक किए हैं. यस इसीलिए बुलाए हैं. आगे आ जाइए सर, या मैं आगे आ जाऊँ. यस, और हमारे स्पॉट प्राइज विनर सबसे पहले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं. इसीलिए मैंने पहला स्पॉट प्राइज कॉपी वाला किया कि जो पिछले हफ्ते में ले रहा था. हाँ जी, अब अपने रुमाल को खोल के दिखाएंगे. अब काला रुमाल कौन रखता है? अब ये क्यों रखा है आप समझ जाइए. उनको पता था जय आने वाला है और वो पहला स्पॉट रुमाल है क्या? ये खुल क्यों नहीं रहा है? खुलिए है? ये तो स्कार्फ लेके आ गए. ओके ये स्कार्फ और किसी के पास भी है? नहीं तो हम इनको ही दे दें रुमाल. इनको काटना पड़ेगा तो रुमाल बन जाएंगे. इसको बोलते धोती फाड़ के रुमाल कर दिया. यस एनीबडी एल्स, स्कार्फ किसी के पास है? ब्लैक कलर है वहां पे? अच्छा वहां पे, वहीं से हाथ हिला दीजिए. जब तक आप पहुंचेंगे कल हो जाएगी, क्या पता कल हो ना हो. हाँ हाँ जी, वो देखिए वहां पे ब्लैक. आ जाइए. मैं दूर की नजर कमजोर है. यस हमारे बच्चे रेडी हैं अगले परफॉर्मेंस के लिए. सो लेट्स चेक इट आउट कि सबसे पहला ब्लैक स्कार्फ और किसी के पास नहीं है? दुपट्टा नहीं नोटा मैंने मैम. दुपट्टा पहुंचने वो तो मैडम टी शर्ट ही निकाल के खड़े. बच्चे का टी शर्ट ही उठा लिया. नहीं कुर्ता ऊपर नीचे नहीं, नीचे करो, कुर्ता ऊपर करके दिखाए. हाँ तो आप परफॉर्मर हो ना, इसलिए आपका कुर्ता ब्लैक है. हाँ जी, ओ ब्लैक हैंडकरचीफ. यस परफेक्ट परफेक्ट वेरी नाइस. सो वी गॉट द परफेक्ट ब्लैक हैंडकरचीफ लेडीज एंड जेंटलमैन. आपका नाम, आप तो पूरे ब्लैक ही बन गए हैं. ब्लैक ब्यूटी, क्या बात है. आप गोरे गोरे भी हो तो ब्लैक ब्यूटी बोले भी जा सकते हैं. ओके आपका नाम? ईशान. ईशान के लिए धमाकेदार तालियां. फर्स्ट फ्रॉड प्राइज विनर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच गाइस. एंड अगली बार आप नहीं, वो स्कार्फ है अभी तक फाड़ा नहीं उन्होंने. ओके थैंक यू सो मच.